हेलो स्टूडेंट्स, सारे बच्चों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हुण असीं करन जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के चैप्टर 12th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये स्टेटमेंट हैगी है, एक त्रिभुज दियां भुजावां दा अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का खेत्रफल पता करो। Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। Find its area। हुण सानूं सब तो पहले इहदे विच साइड्स दी रेशो दित्ती हुई है, त्रिभुज दीआं भुजावां दा अनुपात। यह अनुपात सानूं किन्ना दित्ता है, 12:17:25। ठीक है, मान लो पहली भुजा ए इज इक्वल टू 12x, मान लो दूजी भुजा बी इज इक्वल टू 17x, मान लो तीसरी भुजा या तीजी भुजा सी इज इक्वल टू 25x। इहदा परिमाप की हो जाएगा, तिन्ना भुजावां दा जोड़ है ना, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 54x। ठीक है, इहदा परिमाप आ गया। परंतु परिमाप बराबर 540 सम ये सानू दिता है, इसलिए ये जेडे 54x होने हैं ये बराबर हो जाने हैं 540 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी परिमाप है तो ये भी परिमाप है, तो दोनों इक्वल होंगे। 54x बराबर 540 सम। ठीक है, हुण x के दे इक्वल हो जाएगा, ये 54 इधर मल्टीप्लाई होया है, इधर आके 540 नो डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे तो साढ़े को आ गया 10 सेंटीमीटर। 54 × 54 = 0। सो x साढ़े को 10 आ गया, इसलिए पहली भुजा ए के बराबर आ जाएगी 12 × 10, 12x है ना, ये होगी साड़ी 120 सम। दूजी भुजा बी बराबर 17 × 10, ये बराबर आ जाना 170 सम। तीजी भुजा C इज इक्वल टू 25 × 10 बराबर 250 सम। हुण असीं इहदियां भुजावां दा जिहड़ा माप पता कर लिया, तो पैरीमीटर साडे कोल पहला ही हैगा आ, इह देखो पैरीमीटर पहला हैगा, भुजावां दा माप असीं पता कर लिया। हुण असीं एस पता कर लेंगे, एस पता करके फिर उस उत्तर लगा के तो इस ट्रेंगल का असीं एरिया पता कर लेंगे। नाल नाल असीं इंग्लिश मीडियम च भी करना है रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स साइड्स 12:17:15। लेट ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x एंड सी इज इक्वल टू 25x। ठीक है, पैरीमीटर की हो जाएगा, पैरीमीटर साढ़े को हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू हो जाएगा 54x।
फोर एक्स, बट पेरिमीटर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर, इट्स गिवन. देयरफॉर 54x is equal to 540 centimeter. X is equal to 540 upon 54 centimeter. ये साड़ा कट जाएगा 10 ते, therefore 10 centimeter. So A is equal to 12x is equal to 12 into 10 is equal to 120 centimeter. B is equal to 17x, that is 17 into 10 is equal to 170 centimeter. And C is equal to 25x, that is 25 into 10 is equal to 250 centimeter. S is equal to, S कितने बराबर आ जाएगा साडा, S होएगा 540 बटा 2, पेरीमीटर बटा 2 होंदा, ते कट के साडे को कितना आ जाएगा, 2 3 4 2 7 14 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर हो गया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C, सारे दा square root. S साड़ा आ गया 270, ते 270 minus A साड़े को किना या 120, 270 minus 170, ठीक है, 270 माइनस 250, ऐसा डिकोल आ गया हूँ 270 मल्टीप्लाई बाई, इसको 120 घटावे तो देखो कितने बचते हैं 051, ठीक है, 150 बच गए मल्टीप्लाई बाई, इसको 170 हो जाएंगे तो 100 बचेगा पूरा, मल्टीप्लाई बाई 250 गए तो 20 बचेंगे, ये तो सारे का स्केयर रूट नाल साडे कोल सेंटीमीटर स्केयर आएगा. हुण 270 150 100 ते 20 असीं इहनां दे फैक्टर बनाउणे आ. देखो 270 दे फैक्टर बणदे पए आ, इहनूं असीं पहलां 5 नाल डिवाइड कर लांगे क्योंकि लास्ट 0 है, 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, नेक्स्ट साडे कोल 2 नाल डिवाइड हो जाणा, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, फिर 3 नाल डिवाइड हो जाएगा, 3 9 दा 27, फिर 3 नाल डिवाइड हो जाएगा, 3 3 दा 9, ठीक है, साढ़े को फैक्टर की बन गए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह 150 दे फैक्टर बना लेंगे असी 150, 5 नाल, 5 3 दा 10, 3 10 दा 5 2 दा, ते साडे कोल 150 दे फैक्टर की बन गए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट असी 100 दे कब बनाने आ, 100 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 5 2 ਦਾ 10 0, 5 4 ਦਾ 20,
टू टू द फोर ये आ जाएंगे साढ़े को फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू हूँ साढ़े को रह गए ट्वेंटी के फैक्टर करने ट्वेंटी के फैक्टर देखो फाइव फोर द इत हो जाने टू टू द फोर ये साढ़े को आ गए मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय टू ये सारे का साडा हो जाना स्केयर रूट हूँ असं पेयर बार क्ढने देखो फाइव एक फाइव है ये दो फाइव हो गए तीन फाइव हो गए चार फाइव हो गए पाँच फाइव हो गए छे फाइव है छे मीनस कि साढ़ा थ्री टाइम्स फाइव बार आएगा फाइव इंटू फाइव थ्री देखो किन्नी बारी है एक दो तीन चार दो पेयर थ्री दे हो गए टू किन्ने बारी हैगा साढ़े को टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री टाइम टू आएगा ये साढ़े को आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया साढ़ा कितना हो गया हुण इन्हां सारयां नूं असीं मल्टीप्लाई कर लैंदे हां ये साढ़ा मल्टीप्लाई करके 9000 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा हुण सेम साढ़े कोल इधर पंजाबी मीडियम च भी हो जाएगा क्योंकि इत्थे असीं तीन भुजावां कढ लईआं सी इत्थे असीं की करांगे तां कढांगे एस एस पता करांगे तां एस साढ़े कोल कितना आया सी 554 बटा 2 ये बराबर आ गया सी 270 सेंटीमीटर ठीक है हुण त्रिभुज दा खेत्रफल त्रिभुज का खेत्रफल होंदा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सारे का अंडर रूट एस साढ़े को आया 270 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250 ते नाल साढ़े को आ गया सेंटीमीटर का स्क्वेयर ठीक है हुण साढ़े को बचा इत्थे 270 मल्टीप्लाई इहनूं कदे नाल करांगे 270 च 120 घटाए सी साढ़े को आ गए 150 270 च 170 घटाए तो साढ़े को बचे 100 ते 270 च 250 घटाए तो साढ़े को किन्नी बच गई सी 20 सारे का वर्गमूल ते सेंटीमीटर स्क्वेयर वर्गमूल करके असीं इत्थे फैक्टर बनाए सी 270 दे फैक्टर साढ़े को आ गए सी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 150 दे फैक्टर आ गए सी 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 ते 100 दे फैक्टर साढ़े को आ गए सी 5 गुणा 2 गुणा 2 ते 20 दे फैक्टर साढ़े को आ गए सी 5 गुणा 2 गुणा 2 ये सारे का साडा स्केयर रूट हो गया सी नाल सेंटीमीटर स्केयर से अच्छा इस तो बाद की है कि इन्हां नूं थोड़ा सिस्टमैटिकली कर लईए ना जिहड़ा पता लग जाए पहला फाइव एक बारी आए साढ़े को फिर फाइव दो बारी आए फिर फाइव देखिए असीं एक दो तीन चार पाँच छे वारी फाइव आए तीन चार पाँच छे वारी फाइव साढ़े को आए तीन साढ़े को किन्नी बारी आए एक दो तीन चार चार वारी तीन आए दो जिहड़े आ उह भी साढ़े कोल एक दो तीन चार पाँच छे वारी दो आए एक दो तीन चार पाँच छे ये हुण तुहानूं पेयर बनाउणे थोड़े ना मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं होएगा
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੇ, ਜਿੰਨੇ 3 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ 2 ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਿਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ। 5 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ 2 ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ 3 ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ 5 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਇੱਥੇ 2, ਇੱਕ ਪੇਅਰ 2 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਦੂਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 9000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸਚਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ।